चल ए क्या करे छोटे, निकले क्या? रुके बोलना, कंटाला आया मेरे को यार, इधर रुक के रुको, जरा सबर करो। तू सांग, तू इस म्हणून थांबलोय बघ आतापर्यंत, तू आतमध्ये मांग्या बघी कधीचा बसला इंटरव्ह्यू ला, त्याला काळा नावे लवकर या वो बाहेर बाबा, बाहेर वाट बघते ती पोरला लाईनीत बसली ती, काळा नावे यायचं लगे ऐसे मत बोलो भाई, मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है, कैमरे वैमरे लगे किसी चीज। हेलो सर, एक सेकंड है सर, एक सेकंड। हाँ हाँ सर, फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। यस मिस्टर रुपेश, यस सर, मेरा नाम रुपेश। हाँ, आपका जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताइए, आपकी डिटेल्स जो है सब बताइए, आपके जो आईडी कार्ड से वो शो कर दीजिए। ओके मैं पहले तो मैं मेरा आईडी कार्ड आपको शो करता हूँ, ये रहा मेरा आईडी कार्ड सर। रूपेश वाजरा। यस वाजरा। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? हाँ सर है मेरे पास, वो भी दिखाता हूँ। ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। सो रूपेश, हाँ सर, आपके जो कॉलेज मतलब जो क्वालिफिकेशंस जो आपने किए उस रिलेटेड आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हो, क्या क्या क्वालिफिकेशंस किए आपने? सर एक्चुअली क्वालिफिकेशन मुझे लगता है कि सेल्स के लिए क्वालिफिकेशन से ज़्यादा बेहतर होता है कि बोलना, कस्टमर को अप्रोच करना कि गाड़ी ले, मतलब कन्वेंस करना उसे, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरा शिक्षण थोड़ा कम हुआ है, मेरा ट्वेल्थ, हाँ ट्वेल्थ हुआ है मेरा ओनली। हाँ यस, और लेकिन सेल्स में, हाँ सेल्स में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, कार में नहीं है, कार रिलेटेड नहीं है एक्सपीरियंस, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसके रिलेटेड सेल्स में, मतलब रियल इस्टेट हो गया और मीन्स कैमरा मार्केटिंग, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छा जॉब किए पहले। ओके मतलब आपको सेल्स के रिगार्डिंग थोड़ा एक्सपीरियंस है। यस यस, मैं कस्टमर को मैं मतलब बेच सकता हूँ गाड़ी, ये मुझे कॉन्फिडेंस है सर। ओके, मैं क्वालिफिकेशन पूछने के पीछे रीजन यही था कि जस्ट एक जानना कि आपने मतलब क्वालिफिकेशंस क्या किया, बाकी कुछ नहीं। वो मुझे भी पता है कि सेल्स के लिए क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, सब कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड है, वो तो मुझे भी पता है। यस यस, ठीक है ठीक है। रुपेश मुझे बताइए कि एग्जैक्टली व्हाट इज सेल्स, सेल्स का रियल मीनिंग क्या होता है आपके लैंग्वेज में बताइए। ओके, सेल का मतलब क्या है सर, कि मान लो आप कस्टमर हो सर, ठीक है, तो आप कुछ सोच रहे हो, मतलब बस आप बाहर से गुजर रहे हो और आपको कुछ चीज दिखी, ठीक है, चीज दिखी, आपका मन नहीं है उसका लेने का, या फिर बस आपको पसंद आई, ठीक है, मैं एक सेल्समैन हूँ तो मेरा काम है कि मैं आपको, आपके सिर्फ ख्यालों में आया था कि बस कि अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगने से मैं आपको वो लेने तक मैं आपको कन्विंस करूंगा सर पूरा। ओके, हाँ तो उसे कहते हैं सेल्स सर। मैं आपको पूरा मतलब वो चीज को लेके इतना डिटेल दूंगा ना मैं आपको कि वो ऐसा आपको ऐसा एहसास होगा कि उसे मुझे लेना चाहिए, मतलब मैं जो सोच रहा था वो सही था, ये चीज मुझे लेनी चाहिए। Okay. वो हाँ, वो उसके लिए मैं आपको कन्विंस करूंगा सर उस सारी चीज़, वो चीज उसके लिए अच्छी नहीं होगी तभी भी आप उसको कन्विंस करोगे? जरूर सर, क्योंकि मेरे कंपनी का सेल्स बढ़ाना है मुझे सर। बट एक कंपनी का कुछ फैक्टर होगा कि उनको क्या बोलते हो, एक अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी है लोगों को सर। अपनी गाड़ी अच्छी है ना सर, हम एक्चुअली सर पहली चीज तो फर्स्ट थिंग कि सर अपनी जो अपन जो चीज बेच रहे वो अच्छी ही है, कोई भी चीज बुरी नहीं है अपने में, सारी चीजें हम जो भी गाड़ियां बना के बेच रहे हो सब अच्छी है, तो किसी का बुरा नहीं होगा सर हम किसी को बेचेंगे तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली सर। कैसा छोटे, मुझे बताइए एम्प्लॉयज में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए हाँ जो कस्टमर के लिए सेटिस्फाई कर पाए? बोलना सर, पोलाइटली बोलने का तरीका, बिहेवियर मतलब बात करने का तरीका, उनको सर्विस मतलब ओवरऑल बिहेवियर एक हो गया हाँ, और मतलब उनको गाड़ियां दिखाना, उनको
मतलब एक बोलते हैं ना खातिरदारी, मतलब मेरे थोड़े लैंग्वेज में बोलते हैं ना खातिरदारी पूरी होती है, तो वो हिसाब से पूरा मतलब उनको पूरा कंफर्ट फील आना चाहिए। मतलब वो एक बार शुरू में आ गए ना तो उनको बाहर जाने का मन नहीं होना चाहिए कि अंदर आ गए तो मतलब ऐसे ही यार बोर कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। एक सेल्समैन का कस्टमर को एज अ भगवान जैसे यस ट्रीट करना। यस 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 हाँ मतलब ठीक है, उसको ऐसा कस्टमर लगना चाहिए कि मैं अंदर आया हूँ तो मैंने सही किया है, कुछ गलत नहीं किया है। ओके तो ये पूरा उनको अपने को ट्रीट करना पड़ेगा वैसा, खातिरदारी वही ट्रीट करना पड़ेगा वैसे, वो करना आना चाहिए सर बेसिकली। गॉट इट गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। और कौन सी है जैसे कि आप कुछ मिस किया होगा, कौन सा क्वालिटी ऐसा लग रहा है आपको? क्वालिटी और कौन सी हो सकती है, मतलब गाड़ियों के बारे में ठीक से समझाना नहीं, वो तो सेल्स का पार्ट हो गया ना। देखो हाँ सब आपने जो बोला एग्जैक्टली परफेक्ट है, ठीक है। ओके और एक क्वालिटी होनी चाहिए सेल्समैन में, ओके सेल्समैन इज अ गुड लिसनर, जो सामने यस वाले की पूरी पूरी बात बात पहले सुन, समझे फिर बोले, सही ठीक सही है। सही यस 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 ये क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है एज अ सेल्समैन, ठीक यस है। यस यस सर हाँ वो तो है सर सुपीरियर सुपीरियर क्वालिटी होती है कि यस सामने यस वाले की नीड एक बार आपको पता चल गई ना तो उसके रिलेटेड आपको कौन सा भी सोल्यूशन दे सकते हो आप, बराबर सर ठीक है। यस सर तो रुपेश मुझे बताइए कि समझो हाँ आपके पास एक कस्टमर आया है, ठीक है, ओके उसका बजट बहुत टाइट है, ओके मतलब बहुत टाइट बजट है उसका, हाँ बट आपको उसको गाड़ी तो बेचनी है क्योंकि यस आप उसको, चलो मैं बताता हूँ कि उसका कस्टमर का बहुत नीड है कि उसको गाड़ी चाहिए क्योंकि एज ए ट्रैवलिंग के लिए उसको बहुत लगी, तो हाँ आप उसको कन्विंस कैसे करोगे या फिर गाड़ी कैसे बेचोगे वो जरा बताइए मुझे, प्रैक्टिकली कैसे बेचोगे उसको आप? मतलब बजट मीन्स सर उसका बजट अभी बहुत टाइट है, वो पहले ही बोला कि भाई मेरा बजट बहुत टाइट है, बट हाँ उसको गाड़ी तो चाहिए। तो आप, ओके आपका स्टेप्स क्या होगे टूवर्ड्स हिम, क्या आप क्या करोगे? ओके सर देखिए जैसे कि अपने पास ईएमआई फैसिलिटीज भी अवेलेबल होने वाली है ऐसा सुना है समझो कि ईएमआई नहीं है तो ओके कैसे करोगे? ईएमआई नहीं है ये काम करते देखो, सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ दिखा है पूरे तो शहर कैसा में, करेगा रे, चल एकदम नहीं ऐसा पूरे बोलेगा ना सीधा पैसा नहीं है जा जा रहे तो पहली बार देखा सर। एक्चुअली फिर हमें कौन सा आपका नाम? सॉरी मैं पानी पी लेता हूँ हमारा सर नाम एक है मिनट हाँ, आप पी लो पी लो, कोई दिक्कत नागर, नहीं, नर्वस उधर मत होइए, सब लोग मुझे कॉन्फिडेंट हो। नारायण बोलते हैं, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, इसको क्या कैसा करेंगे रे इधर कन्वेंस। मुझे हाँ इकड़ा इकड़ा कृष्णा इकड़ा, हेलो क्या हुआ ओके आपको? सर मान लो अपनी गाड़ी है 1 लाख रुपए की ओके और कस्टमर का बजट मैक्स टू मैक्स 80,000 ओके टाइट बजट है मतलब 20,000 उसमें कम हो रहा है ठीक है कम पैसा उसके पास ठीक है लेकिन उनको चाहिए ठीक। तो क्या कर सकते हैं सर हम कि कस्टमर को प्रॉपर जो उनकी नीड है जो हमने पहले उनकी सुन के ले ली ठीक है उनकी पूरी बात हमने सुनी कि उनको कितनी नीड है ठीक है तो हम है ना उनको जो वैल्यू है मतलब जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है उनके नीड के हिसाब से वो पूरी समझाएंगे उन्हें कि आप जो पैसा डाल रहे हो मतलब जो 80,000 आपका लास्ट बजट आप बोल रहे हो लेकिन इतने में तो नहीं आएगी लेकिन आप अगर बजट थोड़ा सा बढ़ाते हो थोड़ा सा बजट बढ़ाते हो सर ये तो आपकी जो नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी सर ठीक है। उनकी जो नीड है ना हम उन्हें रिपीट याद दिलाएंगे फिर से कि आपको जरूरत है इस चीज की तो आप थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हो वैसे करके हम कर सकते हैं कन्विंस। समझो कस्टमर हाँ बोला कि उसके पास अभी 80,000 के आगे 1 रुपया भी नहीं है, तो आप क्या करोगे फिर? देख चल लाइक ही तुझे गाड़ी की चलिंग चलिंग क्योंकि ऐसे लोग भी आते हैं। हाँ वो तो है सर वैसे लोग भी आते हैं सर तो सर उन्हें कन्विंस करना ही होगा। अभी मेरे सामने अगर कस्टमर होता हाँ तो इंटरव्यू मैं खत्म एग्जैक्ट हो गया क्या? मतलब बता सकता था धन्यवाद धन्यवाद, परी किसकी? मतलब चलो बात नहीं आपने जो बताया इट्स हाँ ऑल सर गुड, मैं ओके आपको इसका एक आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ओके समझो मेरे पास एक कस्टमर है, उसका टाइट बजट होगा, यस तो सबसे पहले मैं उससे सब जानकारी ले लूंगा कि उसको कैसी गाड़ी चाहिए, ओके उनका बजट कितना है, ठीक है। ओके
उनकी जो प्रॉपर नीड है वो मैं ग्रैब कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद में मेरा कैटलॉग देखूंगा कि अपने पास गाड़ी कौन से रेंज में अवेलेबल है अभी तक है और क्या फैसिलिटीज दे सकती है। ओके, समझो मुझे 80,000 में ऐसी गाड़ी मिल गई अपने कैटलॉग में देखकर कि हाँ ये पूरी फुलफिल कर दे सकती है सामने वाले को, उसकी नीड जो है, तो मैं उनको एक तो वो सजेस्ट करूंगा कि हाँ ये देखो ये गाड़ी है, मैं देख सकता हूँ। और शायद से उनकी एक दो नीडेड उसमें नहीं हो रही हो फुलफिल जो 1,00,000 रुपए में हो रही हो, मैं उनको वो भी सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ आप ये भी देख सकते हो कि थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो आप तो आपको एकदम बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके आप में सबकी जो है वो फुलफिल हो जाएगा नीड्स। सो यस सर, दो बोथ वे आप जा सकते हो, ठीक है। यस सर, यस सर। सो रुपेश, और एक मैं एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है आपसे। हाँ, समझो अभी पीडीएम है, ठीक है अपना। हाँ, अपने पीडीएम में एक गाड़ी अवेलेबल है मतलब स्टॉक में जो है टोरस, जो एसयूवीज में आती है, ठीक है। ओके, अपने शायद बाहर देखी भी होगी, बाहर खड़ी भी है वो, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। और एक कस्टमर आया है जिसको चाहिए रेबला, ओके, रेबला भी एसयूवीज में आती है, ठीक है। हाँ, एसयूवीज में ही आती है, ठीक है। हाँ, तो वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है उसको कन्विंस, अब क्या फिर आप क्या करोगे उसको कन्विंस करोगे कि भाई आप तो वो अवेलेबल नहीं है तो यही ले जाओ, या फिर क्या करोगे उसको पोस्ट करोगे कि एक टोरस ले लो, क्या करोगे आप एग्जैक्टली, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ओके, तो सर उस टाइम मैं क्या करूँगा कि उस टाइम मैं ये कर सकता हूँ कि मान लो बैकएंड से बात करके, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है अपना, ठीक है, तो बात करके कहाँ तक उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको कब तक चाहिए, डिलीवरी कब चाहिए उनको, ठीक है। तो ये सारी जानकारी लेके लेने के बाद मैं बात कर लूँगा अपने टीम से कि ऐसी ऐसी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, अपनी प्रोडक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, क्या सीन है, ठीक है। तो वो सारी जानकारी मिलने का, समझो ऐसा लग रहा है कि मतलब कस्टमर को 4 दिन बाद चाहिए और हमें मिल रही है 6 दिन बाद, मतलब प्रोडक्शन होने के बाद, तो मैं उन्हें दोनों सजेस्ट कर सकता हूँ। तो एक एसयूवी जो अपने पास अवेलेबल है, ठीक है, वो सजेस्ट कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ की मैं उन्हें बोल सकता हूँ कि आपको और थोड़ा रुकना पड़ेगा, 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, मैं आपको गाड़ी प्रोवाइड कर दूंगा, वो अवेलेबल हो रही है वो गाड़ी, बस आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। और आपको अगर अर्जेंट है तो ये भी गाड़ी बेस्ट है आपके लिए, उससे भी हाई एंड वेरिएंट है ये, तो बस थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है इसका, तो आप ये ले सकते हो गाड़ी ऐसा। ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। तो इसके लिए कन्विंस कर सकते, मतलब आप टोरस के लिए उसको फोर्स नहीं करोगे कि हाँ वो अच्छी नहीं ये ले लो, ऐसा वगैरह कुछ करोगे ना? नहीं, मतलब नहीं, मैं मेरी गाड़ियों की बेइज्जती नहीं करूंगा, कोई भी मेरी कोई भी गाड़ी अच्छी नहीं है ऐसा मैं किसी कस्टमर को नहीं बोलूंगा, मेरी सारी गाड़ियां अच्छी है, बस बजट जो है हर गाड़ी का बजट अलग है सर, कोई भी गाड़ी अच्छी नहीं है, सब गाड़ियां मेरे बजट पे अच्छी। ओके रुपेश, आपको गाड़ियों के बारे में कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन है कि आपने रिसर्च वगैरह की है पीडीएम के रिलेटेड कुछ? नहीं सर, कौन सी गाड़ी अवेलेबल होती है वगैरह कुछ? नहीं सर, एक्चुअली इसका स्टडी नहीं है मेरे पर, मतलब स्टडी किया नहीं मैंने, बट लेकिन मैं कर लूंगा सर ये सब चीज। बट समझो अभी बाहर देखो रुपेश तुम आए हो, यस यस, बाहर कुछ 10 लोग आ गए, उनको उनके कम्युनिकेशन स्किल और आपके स्किल सेम है, बट उनके पास एक क्या बोलते है प्लस पॉइंट है कि उनको गाड़ियों के बारे सब में गाड़ियों के नाम पता है, उनकी जो मतलब हैंडलिंग्स कैसी होती है वो सब पता है। ओके सर, वो एक सीन है कि गाड़ियों के नाम और गाड़ी गाड़ी के बारे में पता लगा ना, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, लेकिन जो सेल्स का जो एक्सपीरियंस है, जो सेल्स के लिए बात करनी पड़ती है, जो कन्विंसिंग पावर होती है, तो वो चीज के लिए मैं टाइम लगता है, और सर वो मेरे पास है। गाड़ियों के बारे में इनको मतलब जानकारी चाहिए तो मैं ले सकता हूँ सर, 1-2 दिन में सीख सकता हूँ मैं सारी चीजें। ओके, मतलब आप उसमें अपडेटेशन लाओगे कि मैं फटाफट ग्रैब कर सकूं सब? यस 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 सर, यस सर, यस सर, सब चीजें मैं देख लूं 1-2 दिन में और फिर प्रोडक्ट दूं खुद का, मतलब मैनेजर्स को प्रॉपर वाला मेरा। यस यस, मुझे ट्रेनिंग तो वैसे भी ट्रेनिंग तो मिलेगी मुझे थोड़ी बहुत शोरूम में, ऑफ कोर्स आपको मिलेगी ट्रेनिंग। यस यस, तो यार रुपेश आपका इंटरव्यू हो गया है। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूं, ठीक है? हां सर, आपके जो कुछ की पॉइंट्स बताइए जो बाहर 10 लोगों में नहीं है, मैं आपको क्यों चूज करूं मेरे कंपनी में? सर मुझे लगता है कि मैं बाहर जो लोग है, ठीक है,
वो भी सेल्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात करने के तरीके से, मतलब मैं बाहर भी देख रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे अच्छा लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, कस्टमर को, मतलब वो भी कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनसे अच्छा मैं कन्विंस कर सकता हूँ, ये मुझे गारंटी है सर। मतलब आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत बढ़िया है ऐसा बोल रहे यस हो। यस सर, यस सर। ओके लेट्स सी। ठीक है रुपेश, आपका इंटरव्यू तो हो गया है, ओके सर, आपने एक प्लस पॉइंट मेरा जीता है कि आप एकदम प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में आए हो थैंक लेने यू के सो लिए। मच सर। सर एक सेल्समैन का जो ड्रेसिंग सेंस है वो यही होना चाहिए। आई गॉट योर पॉइंट। ओके रुपेश, मैं जो है तुमको नोट दे रहा हूँ, उसमें आपका जो ईमेल, जो मेल आईडी है ना मेल, ओके वो सर, उस उसमें लिख के वो चिट्ठी ड्रॉप कर दीजिए नीचे, जिससे कि मैं आपको मेल पे बता सकूं कि आपका इंटरव्यू पास हुआ है रिजेक्ट हो गया। ठीक है ओके सर, ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये क्या लोग सर मैंने हाँ बहुत लोग हैं इसलिए, लिख लिया है क्या, थोड़ा नीचे ड्रॉप कर दीजिए। अरे यार सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, जल्दी कीजिए, बाहर थोड़ा बहुत लोग नर्वस हैं हो रहा आपके। हूँ इसके लिए सर, ऐसा हो रहा है, कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं, इट्स ओके बड़ी। नर्वस मतलब नर्वस नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस मेरा काफी अच्छा है सर, ओके डन डन। बस एक